गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है। इसमें एक ओर पसीने की चिपचिपाहट तो वहीं दूसरी ओर हमारे आसपास गर्मी से तप रहा वातावरण हमें ठंडक का एहसास नहीं होने देता। यही वजह है कि चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए लोग अपने घरों में एसी लगवाते हैं, मगर इसके बिना भी आप कुदरती तौर पर अपने घरों को ठंडा रख सकते हैं, वह भी बहुत आसानी से। जी हाँ, आप अपने घरों में कुछ खास तरह के पौधे लगाकर घर को ठंडा रख सकते हैं। ये पौधे जहाँ ठंडक बनाए रखते हैं, वहीं ये घर की हवा को भी ताज़ा बनाए रखने में मददगार होते हैं। ये हवा को शुद्ध करते हैं। तो वहीं यूपी के मुरादाबाद में भी इन दिनों घर के वातावरण को शुद्ध कर रहे और घर में ठंडक लाने के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की खरीदारी बढ़ गई है। तो आइए जानें ऐसे पौधों के बारे में जो ठंडक बनाए रखेंगे और गर्मी को दूर करेंगे। मुरादाबाद में नर्सरी संचालक नेक सिंह ने बताया कि मैं करीब पिछले 10 साल से नर्सरी चला रहा हूं और इसी बीच मुझे देखने को मिलता है कि गर्मी के दिनों में बहुत से पेड़ पौधों की बिक्री बढ़ जाती है। तो वहीं इस बार भी कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनकी बिक्री बढ़ गई है। नेक सिंह, अच्छा, ये कब से नर्सरी चला रहे हैं आप? हो गया सन 2015-16 से। अच्छा, तो गर्मी का सीजन शुरू हो गया, ऐसे में कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो ज़्यादा बिक रहे हैं, जिन्हें लोग अपने घर में लगाना पसंद कर रहे हैं? बहुत पौधे हैं, जैसे एरिका पाम हो गया, स्नैक प्लांट हो गया, रेड मचीरा हो गया, और तुम्हारे की ये हो गया क्रैसुला हो गया, और तुम्हारे की मोरपंखी, गोल्डन मोरपंखी हो गया। बहुत प्लांट हैं ऐसे। क्या वजह है गर्मी में इन्हें ज़्यादा क्यों खरीद रहे हैं लोग? देखिए, जैसे एरिका पाम है 24 घंटे उसकी ऑक्सीजन रहती है और अपने ग्रीन रहता है, और 24 घंटे ऑक्सीजन मैन, ये 24 घंटे ऑक्सीजन है उसकी। अच्छा, और बाकी के जो पौधे हैं उनका क्या बेनिफिट है? स्नैक प्लांट बड़ा अच्छा प्लांट है, ये 24 घंटे ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन जो गंदी ऑक्सीजन है उसे भी दूर करता है। ठंडाई कौन कौन से पौधे देते हैं जिन्हें लोग लगा रहे हैं कि गर्मी आ रही है, गर्मी में जो है गर्मी का एहसास ना हो, उन पौधों से शुद्ध वातावरण मिले, कौन से ऐसे पौधे हैं? एरिका पाम, स्नैक प्लांट, लॉन्गलैंड, और तुम्हारे की क्रैसुला, और रेपिस पाम बड़ा अच्छा प्लांट है, एक रेड मचीरा जो मतलब ग्रीन रहता है वो 12 महीने। उनकी अच्छी खासी बिक्री हो रही है? हाँ जी जी, सही हो जाती है। अच्छा, कहाँ कहाँ के लोग खरीद रहे हैं? लेकिन दिल्ली के भी आते हैं, मुरादाबाद के तो आते ही आते हैं, दिल्ली और बिलारी, संभल, और तुम्हारे इधर रामपुर, धोराया, सब आते हैं। क्या क्या प्राइस है छोटे से छोटे पौधे का? 20 रुपये से स्टार्टिंग है। और हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट तो अगर मैं वैसे साइड वाले आते तो मतलब 1.5 लाख रुपये का पौधा है वैसे।